हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुमन और आप सभी का स्वागत है कुकिंग पैशन विद सुमन चैनल पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ शकरकंद के गुलाब जामुन। यह चीफ एंड बेस्ट है बट नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग इन टेस्ट है। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम शुगर सिरप बनाते हैं गुलाब जामुन के। तो मैंने यहाँ 1.5 कप चीनी और 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया। अब पतीला को गैस पर चढ़ा करके उसे लगातार चलाते हैं और चाशनी बनाते हैं। ये है शकरकंद जिसे मैंने हाई फ्लेम में 2 सीटी लगा दी हूँ। अब ये अच्छे से पक गई है। ये देखिए, ये कड़ा कड़ा है, इसे सॉफ्ट नहीं करना है। ये कड़े होने से इसका गुलाब जामुन बहुत अच्छा बन के तैयार होती है, जबकि शकरकंद अगर गीला पकेगी तो थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाने में। तो मैं अब इसे कसती हूँ ग्रेटर की मदद से। इस तरह ग्रेटर से शकरकंद को ग्रेट करने से इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रहती है और ये सॉफ्टली ग्रेट हो जाती है। ये देखिए, मैंने शकरकंद को ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसे मैश करती हूँ ताकि ये लम्ब्स फ्री हो जाए। इसे अच्छे से मैश करनी है बढ़िया से। ये देखिए, ये मैंने पूरा लम्ब्स फ्री बना के रख दिया है शकरकंद को। अब इस पर मैं 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम डालूंगी। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इस पर 1 टेबल स्पून खोआ भी डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें और अगर ना हो तो ना डालें। खोआ गुलाब जामुन का टेस्ट को एनहेंस करती है, इसीलिए मैं इस पर डाल रही हूँ। पहले मैं खोआ को थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ। ये घर का बना हुआ खोआ है इसीलिए ज़्यादा इस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा मैं इसे मैश कर लेती हूँ। अब मैं क्रीम को शकरकंद के साथ मैश कर रही हूँ ताकि हमारा शकरकंद जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और क्रीम जो है इसके साथ अच्छे से आ जाने से क्रीमी टेक्सचर का हो जाएगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब मैं इस पर 2.5 टेबल स्पून मैदा दे रही हूँ ताकि यह बाइंडिंग करे। इस पर पिंच ऑफ बेकिंग सोडा भी डाल रही हूँ ताकि यह गुलाब जामुन को फूलने में मदद करें। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला करके मैश कर लेनी है। ये देखिए, हमारी डो सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाती हूँ और इसे फ्राई करूँगी। ये देखिए, इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बनानी है हमें। शुगर सिरप हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब इस पर मैं 2 कुटी हुई इलायची डाल करके इसे 1-2 उबाल आने के लिए छोड़ देती हूँ और गैस बंद कर देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे बॉल्स तैयार कर ली थी। मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब इस पर ऑयल डालते हैं। आप घी से भी इसे बना सकते हैं पर मैं अभी ऑयल से ही बना रही हूँ। अब ऑयल हमारी गर्म हो गई है। अब इस पर धीरे धीरे करके एक एक गुलाब जामुन डालते हैं और इसे लो फ्लेम में फ्राई करते हैं। इसे मैंने लो फ्लेम में डाल करके फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे गुलाब जामुन फ्राई होकर निकल गए। अब मैं इसे चाशनी पर डाल दूंगी। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए शुगर सिरप में ही डाल करके ढक करके छोड़ दे रही हूँ। उसके बाद मैं सर्व करूंगी। अब मैं इस पर 1/2 टेबल स्पून गुलाब जल डाल रही हूँ। अब गुलाब जल इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये गुलाब जामुन है, ये गुलाब जामुन से रिलेटेड है, इसीलिए गुलाब जल इस पर डाल रही हूँ। ये स्वादिष्ट रसीली सॉफ्टी शकरकंद के गुलाब जामुन है। मैं एक गुलाब जामुन को काट के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्टी है और कितनी स्पॉन्जी है। ये देखिए अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, डिलीशियस और रसीले बनकर के तैयार हुई है। हमारे सस्ते गुलाब जामुन टेस्टी और टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये है शकरकंद गुलाब जामुन। आप दिवाली में बनाइए और अपने घर में स्वादिष्ट, सस्ते और अच्छे गुलाब जामुन का आनंद लीजिए। तो अच्छी लगी ये रेसिपी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।